हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लैंडमार्क दिखाऊंगी मुंबई का और पूरा एड्रेस मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी, जिसका घर आज हम देखने वाले हैं। वो बॉर्न हुए हैं 28 सितंबर 1929। प्लेस ऑफ बर्थ है इंदौर। उनको क्वीन ऑफ मेलेडी भी कहा जाता है, वॉइस ऑफ नेशन भी कहा जाता है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि भरत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्लीज़ प्रेस करें, तो ही आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ये चौक का नाम है कल्याण जी वीर जी शाह, मैंने जूम करके दिखाया अभी आपको। ये फिल्म इंडस्ट्री में आए थे 1942 में, एक कोंकणी लड़की जिसकी दो चोटी और अपने फैमिली के लिए अर्न करने आए थे। तब ये पुअर थे, थोड़े गरीब थे। उन्होंने क्रिएट किया है एक पर्सोना जो मैच करता है प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर विथ प्योरिटी ऑफ वॉइस। ये जो आप रोड देख रहे हो वो हाजेली की तरफ जाता है। उनको लेडी इन वाइट भी कहा जाता है। इनकी एक बचपन की कहानी इन्होंने बताई। जब वो 9 साल के थे तब उनके फादर ने उनको अलाउ किया गाना गाने के लिए उनके साथ स्टेज पर। तब उन्होंने पहना था एक वाइट फ्रॉक। वैसे वो अब्रॉड जाते हैं तो कभी कभी उनको प्रिंटेड साड़ीज या फिर सलवार कमीज में देखा गया है। कभी कभी ये क्रीम कपड़े और पेस्टल कलर्स भी पहनते हैं। इतना सारा मैं कपड़े के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, थोड़े मेरे स्टूडेंट्स को भी नॉलेज मिल जाए। जब वो स्टेज पे होते हैं तब उनको वाइट साड़ी बहुत पसंद है। तब वो प्रिफर करते हैं कि वाइट साड़ी विद कलर्ड बॉर्डर पहने। उनके वार्डरोब में बहुत सारे हैंडलूम की साड़ीज हैं। नॉर्मली इनका पल्लू रैप होता है हाई अराउंड हर नेक एंड शोल्डर, लेटिंग हर विथ जो पन्ना होता है फॉल अराउंड हर लाइक अ शॉल। बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ पहनते हैं ये। वॉचमैन से सुना गया है कि ये पूरी बिल्डिंग इनकी है जो उन्होंने भाड़े पे दी है, रेंट पे। और जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर है वहाँ पर वो रहते हैं, और जो थर्ड फोर्थ फ्लोर है वहाँ पर लर्निंग और रिहर्सल्स होते हैं। नमस्ते, मैं हूँ गीता शाह और आज हम देखेंगे एक सेलिब्रिटी का घर। ये सेलिब्रिटी को नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। यू राइट, इनका नाम है लता मंगेशकर जी। लता दीदी का घर यहाँ पर पेडल रोड में है, जो मुंबई में है। बिल्डिंग का नाम, जैसे आप मेरे पीछे पढ़ पा रहे हो, है प्रभु कुंज। दोनों बहनें यहाँ साथ में रहते थे कई साल तक। फिर आशा जी ने डिसाइड किया कि मुझे अभी और कहीं जाना है रहने के लिए, इसलिए लता जी यहाँ पर अकेले रहते थे। ये मैं जूम करके बिल्डिंग का नाम दिखा रही हूँ, प्रभु कुंज। आज मुझे मौका मिला इनका घर दिखाने का, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और ये हो पाया हमारे व्यूअर्स के वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे इंस्टा और फेसबुक पे कि आप मुंबई ही रहते हो तो प्लीज़ इनका घर दिखाइए। तो ये फरमाइश आपकी पूरी हुई। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू।